भाई हमारा स्कूल भीड़ देख रहे हो पीटीएम में जाने के लिए। मैं तो कोई पापा को लेके नहीं आया, मैं पापा फालतू में डांट सुनेंगे फिर डांटेंगे। इतने सारे लोग जा रहे हैं अंदर भाई, फुल पनिशमेंट में खड़े हैं बालक। क्या चीज़? कौन सी टीचर ने बुलाया? कौन सी टीचर ने? दिव्या चौहान। वो पनिशमेंट खत्म हो गई भाई बच्चों की। अच्छा मैं कह रही हूँ दिव्या मैडम को, जो कह रही हूँ इतना खुशी हो रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। भाई साहब सुबह सुबह उठा और पापा ने कहा कि भाई के स्कूल चला जा। मेरे को इतना खुश था मैं कि भाई स्कूल जाऊंगा, मस्त अपने स्कूल घूमूंगा, तीन चार मैडमों से मिलूंगा, आप लोगों को स्कूल दिखाता हूँ। उसकी मैम से मिले, बात करी, सब कुछ हुआ ए टू जेड। उसके बाद जैसे घर आया, बहन का बर्थडे है एक मेरे चाचा की लड़की का, वहां जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं आज। और जो पूरा रास्ता है वो बहुत ज्यादा ऐसे रश वाला होने वाला है, तो देखते हैं कि कैसा जाता है सब कुछ। बहुत टाइम के बाद गाड़ी चलाऊंगा इंडिया में, तो देखते हैं कैसा जाता है। बैठो 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 भोपरा 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 भोपरा। हाँ हाँ बैठो बैठो भोपरा 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 भोपरा। रॉन्ग साइड जा सकते हैं? हम नहीं जा रहे रॉन्ग साइड, सीधी साइड से बाइक वाला तो जा रहा है राइट साइड। राइट साइड आंटी थोड़ा सा आंटी गाजर जी जी जाओ 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 बिल्कुल। अरे हम तो यहीं पे रहने के लिए हैं, हम तो कुछ भी करना, कनाडा से आने के तीन दिन बाद दिल्ली में गाड़ी में चलाना ठीक है, अगर आप वहाँ पे लाइसेंस लेके आ रहे हो तो। मेरे पास भी है, मैंने गाड़ी भी वहाँ पे खूब चलाई है, पर मैंने यहाँ भी चला ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चला लोगे। ये कुछ टैलेंटेड लोग ही कर पाते हैं जैसे कि मेरे जैसे। भाई आपने ट्रैफिक देख लिया, सब कुछ देख लिया, फिर मैंने गाड़ी चला ली, तो मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा था, पर मैंने फिर चलाई ली क्योंकि ओला करने पर 1000 के आसपास लग रहे थे, तो मैं खुद चला लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फटाफट चाचा के घर चलते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं। मेरे को छोड़ के चले गए यार गाड़ी में। ओए जाते क्यों चाचा? चाचा खाने को क्या है? ये चाचू बेटा, ये चाचू है, चाचू पियो। मैंने सब ऐसा फोन किया, मैं जा रहे बोले हां नहीं इसके आ जाएगी, आ जाएगी। दो दोस्तों का ना मुझे जानती है, बाहर है, जानते तुझे सब है, तू बाहर जाके बैठ। आ जाओ आ जाओ। ओए अभी बंद कर दो दोस्त। भाई ये है खास जन, इनसे मिलवाना। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। नहीं बोल रही, अब देखो इधर आओ ना, कौन ले रहा था मेरी गोदी में से। आ जा भाई, लोग दोस्ती हो चुके हैं हमारे, मस्त एकदम। कितने 10 मिनट के अंदर फोन कर दो। अम्मा हेलो बोल दो इसमें, हेलो बोल दो। हेलो दीपू ये देख रहे हैं, हेलो बोल दो। हेलो भाई बर्थडे में तो आ गए हैं, पर फिर भी अभी मेरे कनाडा का लास्ट एग्जाम है आज एचआरए का, जो मैं वहाँ पे छोड़ आया था। एक दो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे दो एग्जाम बचे हुए हैं, एक तो हो चुका था मंडे को, आज वेडनेसडे को लास्ट एग्जाम है। इसको खत्म करने के बाद थर्ड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन था इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था, और देखते फटाफट एग्जाम खत्म करते हैं फिर बर्थडे में वापस जाएंगे। पर अभी शुरू होने वाला है, मुश्किल 2 मिनट और बचे हैं, 6:30 बजे से स्टार्ट होगा और 2 घंटे एग्जाम है, तो 8:30 तक चलेगा। Day 2 भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में। भाई कल रात वहाँ से बड्डे वड्डे करके फटाफट निकले, पर रात को 11-12 बज गए थे, तो फिर कोई सीन नहीं बैठ रहा था, मतलब गाड़ी वाड़ी चला रहा था आराम से, सब लोग गाड़ी में सो गए थे। आज अगला दिन है, आज सुबह सुबह जा रहे हैं, सब जाते हैं वॉक करने, हम जा रहे हैं मूवी देखने। ऐसा हुआ है हमारे बेवकूफ़ दोस्त की वजह से, जिसको बोला गया था रात के 9 बजे की टिकट करनी है, साले ने सुबह के 9 बजे ही कर दी। अब सुबह के 9 बजे जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसी के घर जा रहा हूँ, उसको उठाता हूँ सुबह के 9 बजे, अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक रहा भाई, पहले तो बताओ ये सुबह के 9 बजे किला है? किला टिकट सुबह के 9 बजे की पिक्चर कौन सी तो कहे, पापा पूछ रहे थे। भाई ये सब नीलू से पूछो, नीलू ने कराया, मैं तो खुद पता है। मैं भाई 4 बजे सोया हूँ, फिर 6 बजे उठा हूँ, फिर सो गया था, फिर जब भेज के तो ना ग्रुप पे बॉस, उसके मुश्किल से 7 मिनट पहले उठा हूँ मैं। चलो इधर जाकर आएगा ना वो। भाई साहब पापा इतना गुस्सा हो रहे, कह रहे ये सुबह के 9 बजे पिक्चर देखने कौन जाता है, तुम दौड़ने जाओ भागने जाओ, चलो ठीक है चाय पीने भी चले जाओ, पर ये कौन सा तुक है ये सुबह के 9 बजे की पिक्चर। और आपको पता है मैंने वो पिक्चर देखी भी नहीं है, इन्होंने मेरे को यूट्यूब पे 3-4 बार लिंक भेज दिया कि 5 मिनट में समरी देख ले, मैंने वो भी नहीं देखी। अभी फटाफट देखता हूँ यहाँ पे खड़े होके, जब तक वो आता है फिर जाएंगे मूवी देखने, और मूवी का नाम है अवतार। भक्के आ जा भाई, ये जो लौंडा आ रहा है इसको, इसका इंस्टाग्राम में गाली बकना सब जाके। ओए उसको काट ले भाई, तेरे को बोला था ना सुबह जल्दी आइयो, ताला लग रहा है। गाली दो भाई, गाली दो, वो डरो मत। अबे भैया निकल गया तो 5 बजे में।
डांट भी रहा है, केला भी दे रहा है। देख ऐसे दोस्तों ने चाहिए तभी निकल चुका था भाई, नीचे बंद कर रखा सारा, मैं क्या करूँ, मैं टॉप के निकल सकता हूँ। सुबह 9 बजे टिकट कौन करता है भाई? मैं करता हूँ भाई, डाई हार्ट फैन हूँ। क्यों भाई, हम तो नहीं है। तू नहा के भी आया ना? हाँ। बिना नहाए आए मम्मी निकलने नहीं देती। नहीं मैं नहा के आया भाई, आपने नहा के आया? भाई मुंह धो के चमक जाते हैं। इतने सालों बाद ये मेट्रो का सिक्का 50 रुपए का, ये क्या यार, कार्ड दिखाता भाई। मूवी से ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लग रहा है मौसम देख के, मूवी के लिए नहीं पर इस मौसम के लिए थैंक यू भाई। ये मौसम कितना कड़ा लग रहा है ना अभी, उधर से लो उधर से ज़्यादा अच्छा रहा इधर, बाढ़ आ रहा है यहाँ। भाई भाई ने कहा यहाँ से लो सूरज को, तो ले लिया, कोलैब कर रहा हूँ मैं सूरज के साथ। भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे रैंडम ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जैसे अब मैं कनाडा वापस चला जाऊँगा कुछ दिनों बाद, तो मैं ये सब यादें अपने मतलब अपने पास रखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं ऐसे रहता था। और ये कुछ वो नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, मैं नॉर्मली भी ऐसे ही रहता था। यहाँ पे सुबह 7 बजे निकल गए, रात को नाइट आउट पे निकल गए, मैं हमेशा से ही ऐसे रहता था। वो है अलग बात है कि जब एग्ज़ाम है तब घर पर, और जब एग्ज़ाम नहीं है, जब फ्री हो, कुछ काम करने को नहीं है, तब मैं निकल जाता था। मैं ये सब चीज़ें जो मैं अपनी करता हूँ लाइफ में, ये मैं सेव रखना चाहता हूँ। जब मैं पहले कनाडा गया था तब मैं नहीं बनाता था वीडियो वगैरह, तो मेरे को वहाँ पे जाकर थोड़ा सा दुख हो रहा था कि यार मैं इतना सब कुछ करता था, मैं रिकॉर्ड कर सकता था, मैं वो सब कुछ कर सकता था, बट मैं उस पॉइंट पे नहीं कर पाया था। अब मैं ये सब कर रहा हूँ और मैं हर मतलब अपने 2-4 दिन को मिक्स करके एक ब्लॉग बनाता हूँ, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैं रोज़ ब्लॉग डाल रहा हूँ फालतू फालतू के या कुछ भी। बस मेरे लिए सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर आप कर सकते हो। बस मुझे यही बताना था कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें ऐसी वीडियो बनाना पसंद है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। क्या कह रहे हो भाई, क्या दिखा रहा है? कोई नहीं, आप सुंदर लग रहा हो ना, तो मैं देख रहा था वो कुछ नहीं करना कर लिया भाई, ऐसा है घर जैसा है। देखो 500 मिलियन की वो रखी है मेरी साइड। अवतार की भाई ये फ़ोन आपका इतना सुंदर क्यों लग रहा है भाई? ये है मेकअप पिकअप आईलैशेस कफार चला रहा हूँ स्पेशली। इट्स अ 2 लाख रुपीज़ फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा प्रो मैक्स 14। इसमें वो जो आईफोन 14 में जो ऐसे वो 32 आई ना यहाँ पे ऐसे पॉप होने वाली। कोई गुजराती इसको गाली मत देना क्योंकि ये गुजराती है, ठीक है भाई। एक स्पेशल फीचर इसका, इसका बैक कवर रिमूव हो जाता है। अनबॉक्सिंग, देखिए अनबॉक्सिंग यही होती है इसकी। आप देखो वे मत कर वे, अरे भाई, अरे वो मेरे को मीम भेज दियो, अरे भाई, अरे रे ये कैसे सुन, मैं अगली बार आऊंगा ना तेरे को फोन स्पॉन्सर कर दूंगा। थैंक यू यार। बटन वाला ये नहीं चलेगा तेरा। किसको भाई धोखा हो गया हमारे साथ? हम गए थे चाय पीने अच्छा खासा, पर उन्होंने कहा भी 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो इतना टाइम है नहीं, मूवी निकल जाएगी। 8 बज चुके हैं तो 9 बजे तक पहुंचना है। अभी एक हमारा दोस्त वैसे ही आधे घंटे लेट चल रहा है, तो मैं कहा चाय कैंसिल। भाई साहब सच बोल रहा हूँ, कनाडा का चलो सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ की मेट्रो की जो मतलब बहुत सफाई है, और मेट्रो इतनी अच्छी है ना अंदर से भाई, इतनी सुंदर। मतलब मैं वॉलेट लाइन में अभी तक नहीं बैठा था, बट भाई इतनी अच्छी है मैं बता नहीं सकता। अगर मैं कनाडा से कंपेयर करूँ तो वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, बट भाई अंदर से जो सफाई है ना यहाँ पे बहुत अच्छी। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, या तो मैं बहुत टाइम, एक साल ही तो हुआ है, मतलब पिछले साल ही मेरे को थोड़ा सा था, मैं रोज़ आ रहा था, बट मैं बहुत टाइम बाद वहाँ की सर्विस यूज़ करी यहाँ पे आना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि यहाँ इंडिया है, इंडिया कुछ है। वो कहाँ गया भाई? सुबह से 2 बार वॉशरूम जा चुका है, पता नहीं क्या खा के आया है भाई। इधर भाई ये देख रहे हो, टाइम देख रहे हो भाई, वो क्या कह रहे थे तुम मुझे? अरे भाई तू भी वैसे भाई, मैं आराम से चल भाई, चल 9:11 हो रहे हैं। मैंने तेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि सब गाली दे सके। 6:30 अलार्म डाला हुआ था, मैं 6:30 उठूंगा, आराम से निकलूंगा भाई। 5:30 बजे फोन कर रहा है। अरे तो उठाऊं नहीं क्या? ये पहला लौंडा जो कह रहा है कि तूने मेरे को 5 बार फोन किया इसलिए मैं दोबारा सो गया। भाई तेरे को किसी ने बोली फोन करने को? अरे तो मैं करूंगा। अरे ये भाई तो बहुत अच्छा आदमी है, सुबह सुबह मेरे लिए केला भी लेके आए।
इसने कहा फोन करो, इसको फोन कर, मुझे क्यों कर रहा है? भाई ये है, ये कह रहा है कि एड्स आ रहे होंगे, धीरे चलो। स्टार्ट होते दिख गई ना। अरे मुझे पहले से पता है क्या मैं, तो टेंशन मत ले। एक नीला आदमी दिखेगा, अरे घर जाए पहले भी देख लेंगे, स्टार्ट देख लेंगे। शर्म नहीं आ रही होगी ऐसे बोलते हुए? भाई इसकी गलती है। तो अरे हम गाड़ी से क्यों नहीं आए? इसकी गलती नीलू की, ये का मुझे रात में ना साफ गाड़ी में साफ जिस तक खड़ा था इसके लिए पूछ लो कहीं से। ये और मान ये 650 पे खड़ा था भाई, छोड़ता होता नहीं है तू। भाग के चल, भाग के आओ भाई। पता नहीं कहाँ है तू। भाई ये हॉल देख रहे हो भाई, बहुत तगड़ा है। और हम पता है स्टार्टिंग में इन सीट्स पे बैठे थे, पर उसने आके उठा दिया। गुंडे साहब बोल दिया कि सर इस पे नहीं बैठ सकते, अपनी सीट नंबर बताओ। हमने कहा आर वार है। कौन थे तुम दोनों? थे मैं और सुदर्शन बैठे हुए थे। मैं तो पहले बता था कैसे होता है, कहीं यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। देखो ये एक गरीब बच्चे को अमीर सीट मिल गई है। देखिए पीछे, देखिए पीछे, देखिए। रेटिंग बताओ। पिक्चर तो एकदम मजा आ गया भाई, अच्छी थी भाई। ये तो सुवरादन की फोटो डाल दूंगा, तो पायरेटेड डाल, पायरेटेड डाउनलोड कर फिर देखना पड़ेगा। अरे भाई चलो भाई, खत्म हो गई। भाई बड़े वाले बेटे का नाम था नेटिया। भाई आखिर में उसका बड़ा बेटा मर जाता है, ये उठ के कह रहा ये किस चीज कौन मर गया। पिक्चर अच्छी थी, बता कैसे किस तरह से देख रहा था पिक्चर। इतनी लंबी थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया, ना सो मैं सो गया, मैं थोड़ा तो देखेंगे, तो मैं सो गया। मैं तो फाइटर देखेंगे ताकि नींद बहुत आ गई। भाई देखो दिल्ली के लोग कितनी चाय पीते, कितनी मंगा ली। भाई साहब फुल, भैया इसकी ये तो कप छोटे छोटे हैं, पन्नी ले जा। चलो तुम कप में पी लो, मैं कितनी पी लूंगा। A few inches later, भैया चीज तो डाल दो चाय में। जल्दी खा ले, परांठा नहीं टूट रहा। अच्छा तो है, इट इज नाइस। मुर्दल पे बैठे थे, कोई हेट नहीं करेगा। गाइस ये सीपी ले आया, मेरे को सीपी ले आया, पता नहीं कहाँ से। भाई जिसने मेरे व्लॉग में सीपी नहीं देखा वो देख लो, सीपी देखा नहीं होगा किसी ने तो आज पहली बार देख लो। क्या देखूं भाई, सीपी के बारे में कुछ खास बताओगे? हाँ बताओ। सीपी का नाम है भाई फुल एकदम। दिल्ली वालों को तो वाइब आ जाती है यहाँ पे घूम के, एकदम इतनी भीड़ है, फुल मस्त सुट्टे की दुकान सड़क पे ही। क्या बोल रहे हो? बस नाम का है। नहीं हम तो कह रहे कनाडा तो एकदम भैया जगह है। तुमने मेरे व्लॉग में, मैं क्या कह रहा था भाई, आप लोगों ने कनाडा को इतना बदनाम कर दिया ना मेरे व्लॉग में, बेइज्जती हो जाएगी कनाडा की, कोई जाना बंद कर देंगे लोग मेरा व्लॉग देखने के बाद। 6,000 लोग नहीं जाएंगे अब, ऐसी बात है। फिर तो सही, मैं चला जाऊंगा इसके बाद। एकदम बेकार जगह कनाडा, इंडिया रहो, मौज लो अपनी, सब सो इंडिया में हॉटस्पॉट क्या नहीं है, ये लो हॉटस्पॉट भी इंडिया। भाई इस दुकान को ढूंढने के लिए ना पूरा 1 घंटा लग गया हमें, 1 घंटा, पता नहीं क्या है। यहाँ पे डॉलमंटी के मोमोज मिल गए हैं तो दोनों खा लेंगे, नहीं इस पे तो कॉफ़ी मिलती है वो पियेंगे। भाई इसने कोल्ड कॉफ़ी इतनी जल्दी दे दी, मैंने 4 ले ली, मेरे को 5 ले दी थी।
रिक्शा का है और है ही नहीं भाई, मेरा टेस्ट रिव्यू भाई मेरा टेस्ट रिव्यू नहीं देने दे रहे मेरे को। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को टेस्ट रिव्यू दूँ, पर ये पहले खाने लगते हैं भाई। मैं तो इसका टेस्ट रिव्यू दिलवाता शेक तो करने भाई। विविड किया है क्या तूने? पकड़ अपने पास विविड नहीं है। अरे भाई सही लग रही है वो नहीं आती, पैक्ड आती है पहले से ही, वैसी सी लग रही है, अच्छी लग रही है। बोलवा नहीं भाई, पूरा दिन बाहर ही रहूँ भाई। 80 रुपये की है। सुन अच्छा 50-50 है, मैं लेकर तो घर पहुँच के बताता हूँ। इसको दिखा दो भाई, इसके बिजनेस चल रहा है भाई। फाइनल लिया भाई, अभी पहुँच गया भाई। ये भी हमारे साथ ही है पर इसको कैमरा से बहुत दिक्कत है, पता नहीं क्या। भाई एक अपडेट देना था, वहाँ पे डिफॉल्ट के सामने कॉफी की तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि जो लड़की हमें लेके गई थी वो हमारे साथी थी भाई। इतनी बुरी कॉफी है ना उसकी, जिंदगी में मत पीने चला जाना। और कमेंट सेक्शन में कोई लिख मत देना कि हाँ भाई अच्छी कॉफी है उसकी। और डॉल्मा आंटी के वहाँ के मोमोज ऐसे लग रहे थे भाई, गल गए गल। पर चलो वो ठीक है, वो लड़की लेके गई थी तो खा लिए, बट कोई जाना मत, मेरी ये रिकमेंडेशन है। ये देखो ये हमारे साथ गए नहीं, बाबू मेरे को दिखा दे चोर है। जूस आया क्या भाई? ये गया नहीं, पता नहीं क्या इसका पेपर वेपर है, बट भाई वहाँ की कॉफ़ी मत पीना, कुछ भी कर लेना। बाकी देखो भाई आज का ब्लॉग इतना ही, ये सारे ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को हमेशा याद रहे, ज़्यादा ताज़े रहे। और जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए और आप सबको हंसाने के लिए बना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी वही सेम चीज़, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, कुछ उल्टा सीधा काम मत करो। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।